राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी और कृषि यंत्रों संबंधी हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। परंतु मैं ये आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सुरेंद्र जी का जो जीवन का जो सफर है कृषि क्षेत्र के अंदर, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे गौपालन सुरेंद्र जी करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, और अब इस वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं आप लोगों को कि कैसे सुरेंद्र जी मछली पालन करते हैं। तो ये ही एक करोड़ लीटर का ये पौंड है। इस पौंड के अंदर इसके अंदर जो पानी की जो क्षमता है, 1 करोड़ लीटर पानी की इसके अंदर क्षमता है, और इसी के अंदर ये मछली पालन भी कर रहे हैं। मछली पालन के साथ साथ आप देख रहे हो तालाब के अंदर बतख है, तो बतख पालन के ऊपर भी इन्होंने जोर दे रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि सुरेंद्र जी जो खेती करने का जो तरीका है, इनका जो खेती करने का तरीका इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो के अंदर बने रहें।
जैसा कि मेरे किसान भाइयों, सुरेंद्र जी ने अपनी फार्मिंग करने का जो तकनीक बताई है आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, ऐसा कोई पौधा नहीं छोड़ा है इन्होंने जिसकी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, ऐसे मेरे को तो ये भी याद नहीं कितने पौधे आपने मेरे को दिखा दिए, परंतु फिर भी आप अपने मुंह से किसान भाइयों को बताइए आपने कौन कौन से किस्म के पौधे लगा रखे हैं अपने खेत के अंदर। देखो, और कितना एकड़ का आपका खेत फार्म हाउस है ये बताइए आप। देखो किसान भाइयों, आज IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे आप लोगों को खेती करनी होगी। मेरे यहाँ अभी 12 तरह की खेती हो रही है, जैसे परंपरागत खेती के अलावा डेयरी है, खाद है, मछली पालन, बतख पालन, 12,000 फ्रूट के पेड़ हैं, औषधीय पौधे हैं, नर्सरी है, 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है। तो किसान भाइयों, आज आपको खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना होगा और IFS मॉडल पे खेती करनी होगी। जैसे परंपरागत खेती में मान लो कोई आपदा आ गई, ओले पड़ गए, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है और किसान को बड़ा नुकसान होता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई जैसे उद्योगपति 20 तरह की फैक्ट्री चलाता है, 5 घाटे में है तो 15 प्रॉफिट में, किसान भाइयों को भी आज 15 तरह की 10 तरह की खेती करनी पड़ेगी। अगर 2-3 घाटे में भी हैं, आपदा भी आ गई, तो भी आपको बाकी की प्रॉफिट देंगी। तो IFS मॉडल जीरो बजट प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। भारत सरकार, राजस्थान सरकार आज आपकी मदद कर रही है, हर तरह से किसानों के साथ है और वैल्यू एडिशन करके आपको इनकम डबल नहीं 3 गुनी करनी होगी। जैसे मेरे यहाँ आंवले हैं, टमाटर हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा के मैं इससे 2 पैसे और ज़्यादा कमा सकता हूँ। उसके अलावा औषधीय पौधे हैं, मैंने पहले भी कहा कि किसानों को जो खाली 2-2 बीघा 4-4 बीघा में या कहीं साइडों में दीवारों पर औषधीय पौधे लगाइए, कृषि वानिकी करिए, औषधीय वानिकी करिए, चारा वानिकी करिए, उद्यानिकी वानिकी करिए, सब में सरकार सब्सिडी दे रही है और सोलर को पूर्ण रूप से करिए। जैसा मेरा कहना है कि प्राकृतिक खेती में हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 तरह के मोटे मोटे खर्चे होते हैं, जुताई बुआई, खाद, बीज, पानी, बिजली और निराई गुड़ाई और लेबर, ये 5 खर्चे होते हैं मोटे मोटे। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, बीच में बात काटना चाहूँगा कि ये जो आपके पीछे ये ये गाड़ी खड़ी है, तो इसके अंदर मिल्क भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है? हाँ, दूध। तो ये दूध की सप्लाई भी आपकी है? जी हाँ जी। तो ये दूध क्या भाव जा रहा है आपका? देखिए, ये देसी गाय का दूध हमारे यहाँ ऑर्गेनिक और हाइजीनिक है, कांच की बोतल में भर के हम इसको भेज रहे हैं। जयपुर में 80 रुपये जा रहा है दूध और 1800 रुपये घी। किसान भाइयों, आपको भी देसी गाय खेती करनी है तो देसी गाय आधारित खेती करिए और दूध उसके बाई प्रोडक्ट बना के पूरी कीमत वसूल करिए, ताकि गोबर, गौमूत्र और ब्रीडिंग के अलावा दूध से भी आप पूरा खर्चा है वो निकाल सकते हो। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, सुरेंद्र जी ने अपना अनुभव आपके सामने बताया है, अपना जीवन का 55 साल 56 साल इनकी उम्र है, तो पूरा जीवन का अनुभव इन्होंने आपको बताया है। तो इनकी जो कृषि करने का जो तरीका है बहुत ही भारत के हटके हैं। मेरे किसान भाइयों, ऐसे जो किसान हैं भारत के अंदर बहुत कम मिलते हैं, जो बहुत ही इनको मतलब क्या है कि इनके फार्म हाउस के ऊपर मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है, कृषि मंत्री है वो भी इनके फार्म हाउस पर आते जाते रहते हैं, और भी मतलब एडवांस हम जैसे किसान हैं वो भी इनके फार्म हाउस में विजिट करते रहते हैं, और इनका जो अनुभव है बहुत ही शानदार तरह का अनुभव है। और भी मैं इस फार्म हाउस पर आया हूँ तो कुछ एडवांस तकनीक मेरी भी यहाँ पे मेरा भी कुछ प्रयास रहेगा, तो ऐसी बात नहीं मेरे के समझ। अगर आप तकनीक से करोगे तो आप बहुत अच्छा इनकम ले सकते हो। इसी तौर पर मैं वीडियो को अंत करता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएँ, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।